अस्सलामुअलैकुम। आज हम भरवा बैंगन मसाला बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी डिश है, आसान तरीके से बताएंगे हम। यकीन मानिए, ये इतनी अच्छी बनकर तैयार होती है कि आपके घर में सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कुकिंग विद बेनसीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। तो यहाँ हमने 350 ग्राम बैंगन लिए हैं। ये साइज के लिए हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे नहीं है। इस तरह के जो काटे हैं वो छुरी की मदद से निकाल देंगे। ये डंठल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे। इसे बैंगन को सबसे पहले हमने खुले पानी में वॉश कर लिया बहुत अच्छी तरह से। इस पर हम कट लगाएंगे। तो यहाँ से हमें कट लगाना है इस तरह, सिर्फ कट ही लगाना है, पूरी तरह से कट नहीं कर देना है। इस तरह हमने कट किया नीचे तक और ऐसे क्रॉस बनाना है। इस तरह से, इससे हम अंदर चेक भी कर सकते हैं कोई कीड़ा है कि नहीं, और ये भरने के लिए भी काम आएंगे। एक बोल में हमने पानी ले लिया, एक टेबलस्पून नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स किया, बैंगन जो हमने कट किए हैं इसमें रख देंगे ताकि ये काले ना पड़ जाएं। तो सारे बैंगन को हम कट करके इस तरह से पानी में डुबा देंगे। हमने यहाँ पर मूंगफली ले ली है 3 टेबलस्पून भरकर। ये मूंगफली को हमने अच्छी तरह से रोस्ट किया 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर, और बाद में हाथों से मसल कर इनका छिलका निकाल लिया है। इस तरह कुछ मसाले लिए हमने, 2 टेबलस्पून भरकर साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा। चाहे तो इन्हें हल्का हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं पैन में, साथ में मिला देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें मेथी दाना डाल देंगे। इन मसालों का मिक्सर में पाउडर बना लेंगे। मसालों का हमने इस तरह से ग्राइंड किया है, कुछ और मसाले भी मिलाएंगे फिर एक साथ ग्राइंड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी 1 टीस्पून भरकर, नमक भी डाल देंगे 2 टीस्पून के आसपास। दोबारा से मिक्सर को चलाएंगे, फाइन पाउडर बनाएंगे। ये हमारा भरवा मसाला रेडी हो गया है। चाहे तो इस मसाले को बनाकर स्टोर भी किया जा सकता है, फिर आसानी से भरवा बैंगन बन जाएंगे एकदम फास्ट। मसाला रेडी हो गया है, इसमें 2 टेबलस्पून के आसपास मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें आमचूर पाउडर डाला है, अगर वो नहीं है तो ये पॉइंट पे आप लेमन जूस डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया, इस तरह का मसाला होना चाहिए। बैंगन में भर लेंगे। बैंगन में हमें मसाले को अच्छी तरह से भरना है। तीन से चार टेबलस्पून ऑयल को हमने गरम किया अच्छी तरह। ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, साथ में हम इसमें हींग भी डालेंगे 1/4 टीस्पून के आसपास। फ्लेम को हमने लो रखा है। ज़ीरे का कलर चेंज हो गया है, इसमें हम प्याज डालेंगे। मीडियम साइज़ के 2 प्याज लेकर छोटा छोटा चॉप किया हमने। चलाते हुए प्याज को लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है, हम इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे और इसे और 1 से 2 मिनट भूनेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम किया है हमने। अदरक लहसुन भुना जाने के बाद 2 टमाटर डालेंगे मीडियम साइज़ के, 1/2 टीस्पून नमक। नमक हमने थोड़ा ही डाला क्योंकि हमने बैंगन में भी काफ़ी नमक डाला है, तो यहाँ बस 1/2 टीस्पून। हाई फ्लेम पर हमने चलाया, बाद में फ्लेम को लो किया। हमें अच्छी तरह से लो फ्लेम पर टमाटरों को गला लेना है। हमने 2 टेबलस्पून ऑयल को अलग से एक पैन में गरम करने के लिए रख दिया। ऑयल गरम हो चुका है, एक एक करके जो बैंगन हमने भर कर रखे हैं वो डालेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखा है। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पैन को हिलाएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से टर्न भी करेंगे। हम चाहते हैं कि जो ऊपर की लेयर है बैंगन की वो अच्छी तरह से पक जाए, तो
तो इस तरह थोड़ा थोड़ा अलट पलट करते हुए ऊपर की लेयर को हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखा हमने, थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद फ्लेम को हमने लो किया और 5 से 6 मिनट तक हम अलट पलट करते हुए बैंगन को अच्छी तरह से फ्राई किए। माशाल्लाह बैंगन अच्छी तरह से स्टफ्ड है, इनका मसाला बाहर नहीं आया और लास्ट तक भी इनका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। बस ध्यान से आपको इन्हें अलट पलट करना होता है। फ्लेम को अभी बंद करेंगे और चेक करेंगे हमारे टमाटर गल गए कि नहीं। टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं, तेल अलग हो गया है। बीच में हमने एक बार चेक भी किया था, इसे चेक भी ज़रूर करें। ज़रूरी लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड किया जा सकता है इसमें। आपने जो मसाला बैंगन में भरा अगर वो बच गया है तो वो इधर ऐड किया जा सकता है टमाटरों के साथ। ये पॉइंट पर सारे बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो ध्यान से डाल देंगे। ये सारा मसाला भी डाल देंगे, इसमें बहुत फ्लेवर है। थोड़ा गर्म पानी हमने कर लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और पकाएंगे। 3 से 4 टेबलस्पून के आसपास हमने डाल दिया, फ्लेम को लो रखा है। बैंगन को हमने 5 से 6 मिनट तो फ्राई किया है, इन्हें पकने में 12 से 15 मिनट लग जाती हैं, तो बाकी के जो 8-10 मिनट हैं वो हम इस तरह से पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और पकाएंगे। बस इन्हें चलाना हल्के हल्के है इस तरह, ताकि इनका मसाला बाहर ना आ जाए, ये टूट ना जाए। अच्छी तरह से बैंगन को हमने इसमें सेट कर दिया, थोड़ा और पानी डालेंगे। तो टोटल हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया, फ्लेम लो है, हम इसे पकने देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट, फिर चेक करेंगे। 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दिया हमने, इन्हें टर्न कर लेंगे एक एक बार। हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे 1/4 कप के आसपास, और इसे कवर करके और 4 से 5 मिनट पकने देंगे। तब तक पूरी तरह से बैंगन पक जाएंगे। 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर पकने दिया। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है और अच्छी तरह से हमारे बैंगन गल गए हैं। ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो ये पॉइंट पे थोड़ा गर्म पानी डालकर थोड़ा पका सकते हैं। वैसे हमें ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, क्योंकि हम आज इसे रोटी के साथ खाएंगे। हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी देर कवर करके रखेंगे, बाद में सर्व करेंगे। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।